हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में फोरियर सीरीज स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फोरियर सीरीज के अलग अलग टाइप है, पाई एल, ठीक है, लिमिट्स है 0 to 2π, माइनस पाई टू पाई, 0 to 2l, माइनस एल टू एल, ठीक है। सो स्टार्ट विथ माइनस पाई टू पाई। सो लेट्स टेक एग्जाम्पल, फाइंड फोरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लिमिट है माइनस पाई टू पाई। अब जैसी सम में लिमिट माइनस पाई टू पाई दिखी, तो चेक करना है कि इवन है या ऑड। मींस फंक्शन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर, पुट एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। इवन ऑड चेक करने के लिए जनरली क्या पुट करते हैं, एक्स की जगह माइनस एक्स। तो सब जगह पुट करेंगे एक्स की जगह माइनस एक्स, सो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या मिलेगा, माइनस एक्स द होल स्क्वायर। सो एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी एक्स स्क्वायर अगेन। अगर किसी सम में एफ ऑफ एक्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स है, मीन्स यहाँ पे दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो एक्स स्क्वायर तो जो फंक्शन होगा, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स जो गिवन फंक्शन है इज गिवन, ठीक है, गिवन फंक्शन। सो जैसे ही फंक्शन इवन आया, ठीक है, फोरियर का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फोरियर का फॉर्मूला माइनस पाई टू पाई में अगर इवन आया, ठीक है, तो 0 to π सबसे पहला काम क्या है, लिमिट चेंज होगी। मीन्स लिमिट अब क्या बन जाएगी, 0 to π, और bn क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। फोरियर सीरीज का ये सीरीज है, ठीक है, और a0 an का ये फॉर्मूला है। अब स्टार्ट करते हैं विद सीरीज। सीरीज और सबसे पहले पहला काम क्या है, जो लिमिट है वो चेंज हो जाएगी, माइनस पाई टू पाई से कन्वर्ट होके क्या बन जाएगी, 0 to π। सो अब जो लिमिट यूज होने वाली है वो कौन सी होगी, 0 to π। एफ ऑफ एक्स सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर है वही रहेगा, लिमिट क्या हो जाएगी, 0 to π, और बी एन क्या हो जाएगा, 0। सो फोरियर सीरीज क्या आएगी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए जीरो प्लस समेशन ऑफ ए एन कॉस एन एक्स। ए जीरो का फॉर्मूला आएगा 1 by π, ठीक है, जीरो का फॉर्मूला क्या है, 1 by π, इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 to π, माइनस पाई टू पाई सम में है, ठीक है, लेकिन इवन मिल गया है, क्वेश्चन क्या है, इवन, इसलिए लिमिट चेंज होकर क्या बनी है, 0 to π। एफ ऑफ एक्स डी एक्स पुट करते हैं, एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर होता है एक्स क्यूब बाय 0 to π, ठीक है, 3 तो बाहर चला गया, ऑलरेडी पाई था वो बन गया 3π। अपर लिमिट पुट करेंगे तो बनेगा पाई क्यूब माइनस, लोअर लिमिट 0 है तो ये 0 क्यूब भी क्या होने वाला है, 0, सो बचा यहाँ 1/3π इंटू पाई क्यूब, ये 1π और 1π कैंसिल, ए जीरो का फाइनल आंसर क्या आया, पाई स्क्वायर बाय 3। ए जीरो क्या मिला, पाई स्क्वायर बाय 3। नेक्स्ट ए एन फाइंड करते हैं, ए जीरो हो गया, ए एन फाइंड करते हैं, ए एन का फॉर्मूला क्या है, 2 by π, इंटीग्रेशन 0 to π, लिमिट का ध्यान रखना है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, ऑलरेडी एफ ऑफ एक्स गिवेन है, सो 2 by π इंटीग्रेशन 0 to π, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स 2 by π यू इंटू वी, अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या होता है, साइन एन एक्स अपॉन एन
माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x, अगेन साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, प्लस इसका डेरिवेटिव हो गया 2x का, x का डेरिवेटिव हो गया 1, 2 इंटू 1 हो गया 2, अगेन इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन क्यू, लिमिट हो गई 0 टू पाई। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, साइन वाले टर्म्स को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि अगर अपर लिमिट है पाई, लोअर लिमिट है 0, ठीक है, अपर लिमिट भी पुट करेंगे साइन एन पाई होगा, साइन के साथ पाई आया मतलब आंसर 0, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। ये माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो गया, 2 पाई कॉस एन पाई डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, लोअर लिमिट पुट करेंगे एक्स की जगह क्या आएगा 0, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, 2 बाय पाई, ठीक है, यहाँ क्या है 2 पाई, चलो 2 पाई कॉस एन पाई की वैल्यू होती है माइनस 1 रेज टू एन अपॉन एन स्क्वायर, एक ही टर्म है इसलिए पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, आएगा 4 बाय एन स्क्वायर इंटू माइनस 1 रेज टू एन, ठीक है, ये क्या मिला ए एन, ठीक है, ये हो गया ए एन, ये था ए 0, ठीक है। फॉर्मूला ध्यान रखना, फॉर्मूला में इसके लिमिट पे कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है, और बाहर वाले टर्म पे, ठीक है, सिमिलरली ए एन के फॉर्मूले में बाहर वाले टर्म पे ध्यान रखना है और लिमिट पे, बाकी पार्ट्स तो जो 0 टू 2 पाई जैसे हैं वैसे ही सॉल्व हुए, ठीक है। अब जो ए 0 ए एन का आंसर आया वो सीरीज में पुट करेंगे, सीरीज क्या गिवन है, सीरीज है ए 0 प्लस समेशन ऑफ ए एन, समेशन की लिमिट क्या रहती है एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स की जगह दिया एक्स स्क्वायर, ए एन ऑलरेडी मिल चुका है, ए एन क्या है पाई स्क्वायर बाय 3, एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 3 प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ए एन क्या मिला है, ए एन ऑलरेडी है 4 बाय एन स्क्वायर माइनस 1 रेस टू एन, आएगा 4 बाय एन स्क्वायर माइनस 1 रेस टू एन इंटू कॉस एन एक्स, इसमें बी एन तो होता ही नहीं है, ठीक है, सो ये तुम्हारा फाइनल आंसर, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, थैंक यू।